की तिवारी आप सभी जन के बीच में बुंदेलखंड चुपल के माध्यम से एक बार फिर से जुड़े हैं। छतरपुर विकास योजना 2035 महाराजा कॉलेज रोड 30 मीटर, महल रोड 18 और गल्ला मंडी की सड़क 12 मीटर हुई है चौड़ी। छतरपुर विकास योजना 2035 के प्रारूप प्रस्तुतिकरण के बिंदुओं पर कलेक्टोरेट के बीसी कक्ष में कलेक्टर सीलन सिंह जी की अध्यक्षता में छतरपुर स्तरीय समिति की बैठक भई। बैठक में सदस्यों द्वारा विचार व मंथन कर छतरपुर शहर का समृद्धशील विकास के निर्णय लिए गए। जिला पंचायत अध्यक्ष कलावती अनुरागी, विधायक आलोक चतुर्वेदी जी, सांसद प्रतिनिधि धीरेन्द्र नायक सहित नगर पालिका सीएमओ, जीएम, डीआईसी, पीडब्ल्यूडी, जिला योजना व सांख्यिकी विभाग सहित नगर व ग्राम निवेश विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। महाराजा कॉलेज कॉलेजन का खोले जावे की गाइडलाइन जारी। पीजी विज्ञान, कॉमर्स और आर्ट की कक्षाएं 10 जनवरी से शुरू हुई है। छतरपुर जिला से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश शासन के उच्च शिक्षा विभाग ने कोविड-19 के प्रभाव का कम हो देख के प्रदेश के कॉलेजन का चरणबद्ध तरीका से खोले जावे की गाइडलाइन जारी करी। शासन के निर्देश के परिपालन कराने रविवार का महाराजा कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर डी पी शुक्ला जी ने स्टाफ काउंसिल की बैठक लेकर चर्चा कर शासन की गाइडलाइन के अनुसार कॉलेज में कक्षाएं लगाने की बात कही। कोविड के खतरा का देखते हुए शासन ने बाहरी तत्वों के प्रवेश पर कॉलेज में प्रतिबंध लगा हुआ। कोरोना अपडेट, जिला में 2005 संक्रमितों की संख्या, रविवार का 2 व्यक्ति संक्रमित मिले। सागर लैब और जिला अस्पताल की एंटीजन किट रिपोर्ट में रविवार का छतरपुर शहर में 2 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए। इन 2 संक्रमितों के पाए जावे से जिला में अब तक पाए गए कोरोना पॉजिटिव की संख्या 2000 पहुंच गई। उतई स्वस्थ होने पर रविवार को जिला के 3 मरीजों का मेडिकल टीम द्वारा डिस्चार्ज करोगे। इन मरीजों के डिस्चार्ज होने से जिला में एक्टिव केस की संख्या घटके 49 पहुंच गई। बड़ा मलेरा में हादसा, तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत, 2 घायल। बड़ा मलेरा थाना क्षेत्र के ग्राम शिवपुरी के पास नेशनल हाईवे पर बीती रात तेज रफ्तार एंसेंट कार के ने बाइक का टक्कर मार दी। कार की टक्कर से बाइक पर सवार एक युवक की मौत हो गई जबकि 2 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बीती रात करीब 10:30 बजे प्रमोद पिता किलमिलिया बंसल 23 वर्ष, विनोद पिता परमा बंसल 32 वर्ष, रवि पिता मंगल बंसल 20 वर्ष निवासी केरवारा बाइक पर सवार होकर अपने गांव जा रहे थे। चौपाल तय दर पे व्यापारियों से खरीदे खाद, अधिक राशि लेवे में विक्रेता पे दर्ज करी जाए FIR। कलेक्टर ने नौगांव क्षेत्र के बरट गांव को आकस्मिक निरीक्षण कर ग्रामीण चौपाल लगा के लोगों से क्षेत्रीय समस्या व संचालित योजना की जानकारी ली। कलेक्टर ने ग्रामीण को बताया कि जिला की हर समिति में पर्याप्त खाद मौजूद है, कोनो निजी विक्रेता तय कीमत से अधिक की मांग करत है तो ऐसे विक्रेताओं का लिखित शिकायत करें, इनसे उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जा सके। निरीक्षण बिना डॉक्टर के चल रही डिस्पेंसरी, 2 कर्मचारी ड्यूटी के दौरान गायब। छतरपुर जिला से बड़ी खबर, कलेक्टर ने जिला के स्कूल और स्वास्थ्य केंद्र की निगरानी कर जिलाधिकारियों का एक एक संस्था का गोद लेवे के निर्देश दिए। इसके तहत हर सप्ताह अधिकारी गोद ली भाई संस्था को निरीक्षण कर रहे हैं जिससे संस्थान की कमियां उजागर हो रही। गौरव महाराजा 6 साल की 52 फीट ऊंची प्रतिमा से झलकत है उनको सर। छतरपुर जिला के मौसानिया गांव में महाराजा 6 साल शोध संस्थान द्वारा पिछले दिन 52 फीट की महाराजा 6 साल की प्रतिमा स्थापित करी गई। तब से जो विशाल प्रतिमा अपने आप ही राहगीरन का अपनी ओर आकर्षित कर रही है। जब प्रतिमा शोध संस्थान द्वारा बाहर के कलाकारों द्वारा अष्ट धातु से निर्मित करी गई है, रोड किनारे स्थित स्टेडियम में प्रतिमा स्थापित हो जाने से ग्रामीण अपने आप का गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लिधौरा की घटना, प्रतिमाएं खंडित मिली, धरना पे बैठे लोग, अब पुलिस प्रशासन नई मूर्ति स्थापित करा है। टीकमगढ़ जिला से बड़ी खबर, टीकमगढ़ जिला के लिधौरा मंदिर के पास एकत्रित होकर लोगों ने जताओ विरोध, मौका पर प्रशासन पहुंचो और नई प्रतिमान का विराजित करने को दो आश्वासन। मलूक पीठाधीश्वर महाराज ने पुलिस के मामला को जल्द खुलासा करने की कई बार। नगर के वार्ड नंबर 1 में प्राचीन भगवत राम मंदिर में बीती रात अज्ञात ने भगवान विष्णु और हनुमान जी महाराज की प्रतिमा का खंडित कर दिया। सवेरे 9 बजे जब मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना के लाने मंदिर पहुंचे तो अंदर से ताला लगा तो जिसे चोरी को अंदेशा लगा के अंदर झांक के देखो तो भगवान की प्रतिमाएं खंडित मिली। पुजारी ने घटना के बारे में स्थानीय लोगों का और पुलिस का सूचित कर जीर्णोद्धार करावे की मांग। तलैया को जीर्णोद्धार करावे कॉलोनी के लोगों ने विधायक से करी मांग। छतरपुर शहर में हनुमान टोरिया के पीछे पछापुर रोड तराहे के पास श्रीराम जानकी तलैया की हालात इन दिनों बहुत ही खराब है। इतने की गंदगी से न केवल आसपास के लोग परेशान हैं, बल्कि स्थित मंदिर में पहुंचने वाले श्रद्धालु भी तलैया की गंदगी से जूझ रहे हैं। इतने के लोगों ने क्षेत्रीय विधायक आलोक चतुर्वेदी, नगर पालिका सीएमओ ओमपाल सिंह भदौरिया जी का ज्ञापन सौंपत भय, इनको जीर्णोद्धार करावे की मांग करी। विरोध, पपौरा मंदिर की छवि धूमिल कार्पेट पे लगी, ट्रस्ट समिति करे कानूनी कार्रवाई। दिगंबर जिला से बड़ी खबर, दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पपौरा मंदिर ट्रस्ट और पदाधिकारियों पे आरोप लगने के चलत रविवार का ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर मंदिर की जानकारी दी। जिसमें पदाधिकारियों ने निर्णय लेके कही है कि पपौरा मंदिर की छवि धूमिल करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करवाई जाए। हथनी चंदा का मिल है साथी, नौरादेही में बाघन की निगरानी के लाने बांधवगढ़ से लिया है हाथी।
सागर जिला से बड़ी खबर, अगस्त में हाथी बनराज की बीमारी के कारण मौत होने से टूट गई थी जोड़ी। क्षेत्रफल के हिसाब से प्रदेश की सबसे बड़ी सेंचुरी नोरा देही में जल्द ही बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से एक हाथी आने वालों है। बाघ किसान और बाघिन राधा की तरह अब हथनी चंदा को नौ साथी मिलने जा रहे हैं। दरअसल अगस्त 2020 में बाघ बाघिन की निगरानी के लाने लाए गए थे हाथी बनराज की बीमारी के कारण मौत हो गई, जिसे चंदा अकेली हो गई थी। अब हाथी अतनी जोड़ी फिर से बन भी जा रही है, इस महीना में हाथी आबे की उम्मीद है। तीन दोस्तों ने बनाई टैली क्लिनिक मशीन, अब मुंबई के डॉक्टर सागर में ही कैंसर हृदय रोग के मरीजों को कर सके इलाज। सागर जिला से बड़ी खबर है, देश में पहली बार लॉकडाउन जैसी स्थिति बनी और इस दौरान सबसे ज्यादा परेशानी उन मरीजों का भई जिनको इलाज दूसरे बड़े शहरों में चल रहा था। आवागमन साधन बंद थे और फोन के माध्यम से क्लिनिकल परीक्षण संभव नहीं थे। लोगों की जब परेशानी देख के तीन युवाओं ने ऐसी मशीन तैयार करी जिसमें गांव में बैठे व्यक्ति भी देश के विशेषज्ञ से अपना इलाज करा सका था। ई टेक्निक क्लिनिक मशीन के पहले चरण की शुरुआत इन युवाओं ने सागर, भोपाल, उदयपुर, होशंगाबाद से करी। जी मैं शहर में बैठे मरीज मुंबई, दिल्ली के डॉक्टर से कैंसर, हृदय रोग और पैरालिसिस जैसी बड़ी बीमारियों से इलाज भी ले रहे। सप्ताह सुख सुर्खी का सबसे ज्यादा छठवीं बार मिलो मंत्री पास, सागर और बंडा का सिर्फ एक बार मिलो स्थान। सुर्खी से भाजपा विधायक गोविंद सिंह राजपूत जी ने रविवार का मंत्री पद की शपथ ली। 2 साल 6 दिन के भीतर उन्हें तीसरी बार मंत्री पद की शपथ ली है। जिस जिला में दूसरी बार है वहीं से पहले गोपाल भार्गव भी 2 साल के भीतर 3 बार मंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2003, 2004 और 2005 में सरकार तो भाजपा की रही, लेकिन इस दौरान उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने। तीनों बार नए मंत्रिमंडल को गठन हो। शहर विकास को ऑडिट, 16 साल में राजघाट की ऊंचाई बढ़ावे, हाइड्रोलिक गेट के प्रस्ताव बने, एक भी काम शुरू नहीं करा पाए महापौर। बेवस नदी पर बने राजघाट परियोजना के सेकंड फेज में बांध की हाइट का 2 मीटर बढ़वे को काम वर्ष 2011 में ही हो जाने तो बजट के अभाव में जो काम नहीं हो पाओ, साल 2019 में ही काम का कमलनाथ सरकार के आगे बढ़ा हुआ 100 करोड़ की स्वीकृति की घोषणा भई। 137 करोड़ की DPR तैयार कर स्वीकृति के लाने शासन का भेज गयी, लेकिन बांध सत्ता की उथल पुथल में उलझ गए। ऐसे कचू खास और फटाफट खबरन के लाने बुंदेलखंड चुपल पे शिवांगी तिवारी के साथ लगातार बने रहे और ऐसे खास बातचीत के लाने, ऐसे खास खबरन के लाने बुंदेलखंड चुपल के चैनल का लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर अपनाएं। जयराम जी की।